नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको देवताओं की मूर्ति के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे शायद आपको अभी तक पता नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि चार ऐसी मूर्तियां घर में रखने से घर में बर्बादी और सिवाय मौत के कुछ नहीं आता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर देवी देवताओं के लिए एक अलग से ही स्थान बनाया जाता है। हिंदू धर्म में जैसे जैसे देवी देवताओं में स्थान बता रखे हैं, वैसे लोगों ने भी अपने घरों में वैसे ही देवी देवताओं को स्थापित किया हुआ है। आप सबके घरों में ही देवी देवताओं को मंदिर तो जरूर होगा और उस मंदिर में उन देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां जरूर होगी। दोस्तों, सबके घरों में बनाया गया पूजा घर, आप इस बारे में कम लोगों को जानकारी होती है कि उनमें चार ऐसे देवताओं की मूर्ति कभी ना रखें जिससे अगर वो रख दी जाए तो उस घर में बर्बादी आती है और उस घर में सब कुछ अशांत रहता है। दोस्तों, हर घर में मंदिर हर तरह के होते हैं। कुछ घरों में मंदिर छोटे छोटे होते हैं। कई बार देखा गया है कि हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं होने के कारण हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर का मेन गेट, कमरे, किचन, सीढ़ियां और घर का मंदिर, ये सब वास्तु दोष से मुक्त होने चाहिए। घर के सारे स्थान महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, घर में मंदिर वाला स्थान सबसे शुभ होता है। वही हम बात आज आपको बताने जा रहे हैं मंदिर से जुड़ी हुई। दोस्तों, घर में जब भी मंदिर स्थापित होता है तो उसके नियम भी होते हैं और उसका पालन हमें जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने घर में ऐसे ही बिना देखे मंदिर बना लेते हैं तो उसका फल आपको बिल्कुल प्राप्त नहीं होता, उल्टा आपको नुकसान होता है। घर में मंदिर का स्थान बहुत ही महत्व रखता है। मंदिर का स्थान ही महत्व नहीं रखता बल्कि उसमें रखी गई मूर्तियां और उसमें रखी जाने वाली चीज़ें, उसका भी खास महत्व होता है। दोस्तों, आज हम उसी मंदिर के बारे में खास बातें करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको बता दें कि अपने घर के मंदिर को हमेशा ही साफ रखना चाहिए और कभी भी मंदिर पर धूल मिट्टी या फिर गंदगी नहीं आनी चाहिए। मंदिर में कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। मंदिर में हमेशा रोशनी होनी चाहिए। दोस्तों, मंदिर में किसी भी तरह की खंडित मूर्ति नहीं रखना चाहिए। सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखें, कोई भी टूटी हुई मूर्ति मंदिर में नहीं रखें। तो आज हम चार ऐसे देवताओं के बारे में जानेंगे। उसमें सर्वप्रथम है दोस्तों भैरव देव। दोस्तों, भैरव देव भगवान शिव का ही एक अवतार है। भगवान शिव का एक खास अवतार भैरव देव है। दोस्तों, भैरव देव की मूर्ति को कभी भी अपने घर के पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भैरव देव तंत्र विद्या के देवता माने जाते हैं। भैरव देव की पूजा जरूर करनी चाहिए लेकिन घर के अंदर भूलकर भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आप घर से बाहर भैरव देव की पूजा कर सकते हैं। घर के अंदर अगर भैरव देव की पूजा की जाती है तो उस घर में दोस्तों अनजानी घटनाएं, अशांति और वो घर बर्बादी की ओर जाता है। दोस्तों, भैरव देव की मूर्ति को हमें नहीं रखना है। अब हम जानते हैं दूसरी ऐसी मूर्ति के बारे में जिसे घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी मूर्ति है नटराज। आप में से कई लोग होंगे जो नटराज की मूर्ति को अपने घर के मंदिर में रखते होंगे। दोस्तों, नटराज की मूर्ति देखने में काफ़ी सुंदर लगती है और भगवान नटराज भगवान शिव का ही रूप, रौद्र रूप है। दोस्तों, नटराज की मूर्ति को कभी भी भूलकर पूजा घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि दोस्तों नटराज भगवान शिव का रौद्र रूप है, मतलब भगवान शिव की क्रोधित अवस्था है। और दोस्तों, हम मनुष्य में इतना साहस नहीं है कि हम भगवान शिव भोलेनाथ की क्रोध झेल सकें, इसीलिए नटराज की मूर्ति को पूजा घर में नहीं रखें क्योंकि अगर आप रखते हैं तो उस घर में हमेशा अशांति रहती है, सभी को गुस्सा आता है और छोटी छोटी बातों पर दोस्तों बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं।
इसीलिए शिव के इस रौद्र रूप को घर के अंदर नहीं रखें। आप घर के बाहर नटराज की पूजा कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि इनकी पूजा मत करें, बल्कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि इनको घर के अंदर नहीं रखें। वहीं दोस्तों, अब हम तीसरी मूर्ति के बारे में जानेंगे। तीसरी मूर्ति है दोस्तों राहु और केतु की मूर्ति। दोस्तों, घर में राहु और केतु की मूर्ति को रखना भी अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने शनि राहु और केतु को पापी ग्रह माना गया है। हालांकि शनि न्याय के देवता माने जाते हैं, लेकिन राहु और केतु को पापी ग्रह माना गया है। आप इनकी पूजा करते हैं तो अपने घर में, आपके घर में अशांति आती है और दोस्तों कष्ट भी दूर होते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसको घर के अंदर पूजा नहीं करनी है। पूजा हमेशा इनकी घर के बाहर ही करें। घर के अंदर पूजा करने से घर में तम गुण आता है। तम गुण यानी दोस्तों राक्षसी गुण। घर में अनहोनी घटनाएं होती है, घर में ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जो हमें देखने को नहीं मिलती है और हमारा हर कार्य बनता बनता बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि राहु और केतु की मूर्ति को घर के अंदर नहीं रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथी मूर्ति के बारे में। दोस्तों, हम घर में कई ऐसे देवी देवताओं की मूर्तियाँ ले आते हैं जो सिंह पर सवारी करते हैं, यानी जो देवता शेर की सवारी करते हैं। ये लाना अच्छी बात है, लेकिन उस शेर का मुंह अगर खुला हो तो दोस्तों ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, मूर्तियां जरूर लाएं सिंह की सवारी किए हुए, लेकिन सिंह शांत होना चाहिए। सिंह का रौद्र रूप किए हुए ऐसी कोई भी मूर्ति नहीं लाएं जो आपको नुकसान पहुंचाए। ऐसी मूर्तियां घर में लाने से दोस्तों घर में अशांति, घर का हर कार्य बिगड़ने लगता है, क्योंकि हम इंसान हैं और हम देवताओं के क्रोध को नहीं झेल सकते। दोस्तों, इन बातों का खास ख्याल रखना है। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमसे पूछा गया था कि पूजा घर का जो मुख होता है वो किस दिशा में होना चाहिए, तो मैं इस वीडियो में आपको उसका उत्तर देना चाहता हूँ। दोस्तों, पूजा घर हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, अर्थात ईशान कोण में ही बनाना चाहिए, क्योंकि उत्तर पूर्व में परम पिता परमेश्वर अर्थात ईश्वर का वास होता है। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ उत्तर पूर्व में निवास करती है। साथ ही ईशान क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति का अधिकार है, जो कि आध्यात्मिक चेतना का प्रमुख कारक ग्रह होता है। इसीलिए ईशान कोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रातःकाल उत्तर पूर्व या ईशान कोण में पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा तथा वायुमंडल और ब्रह्मांड से मिलने वाली ऊर्जा एवं शक्तियों का अनुकूल प्रभाव होता है। उस ओर से वो शक्तियां हमें मिलती है। दोस्तों, उसके उपरांत ही आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में सकारात्मक वृद्धि होती है। इसीलिए घर के मंदिर का मुख हमेशा ही दोस्तों ईशान कोण में ही रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा भी लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और एक और महत्वपूर्ण बात, घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।